मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण का बेटा काशी में पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए काशी जाता है। काफी वर्षों तक वेद पुराण उपनिषद का अभ्यास किए, कई लोगों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। वो सारे शास्त्रार्थ में यह विप्र जीत गए। तब इनको लगा कि अब मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ और मेरे जैसा विद्वान शायद इस विश्व में कोई नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई तो क्यों न हम अपने घर वापस चलें। तो ब्राह्मण देवता अपने घर वापस चले आए। गांव वाले सुने कि हमारे गांव के ब्राह्मण बहुत विद्वान बन करके वापस आए हैं, तो चलो हम उनके दर्शन का लाभ उठाते हैं। लोग आए, उनका दर्शन किए। किसी ने उनसे एक प्रश्न किया कि हे महाशय, आप यह बताइए, पाप का बाप कौन है? पंडित जी जब सुने कि पाप का बाप कौन है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक ऐसा प्रश्न उनसे कभी किसी ने किया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे कुछ समय दो, मैं शास्त्रों को देखता हूं, उसके बाद मैं इसका उत्तर तुम्हें दूंगा। कई दिन बीत गए, पंडित जी अपने शास्त्रों में ढूंढते रहे कि पाप का बाप कौन है, उनको कहीं इसका उत्तर नहीं मिला। तो पंडित जी निराश होकर फिर काशी वापस आने लगे। रास्ते में उनको एक वेश्या मिली। उसने कहा कि पंडित जी आप इतने उदास क्यों हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं इतने साल काशी में रह करके विद्वता प्राप्त की, सारे वेद पुराण उपनिषद का शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं भी मुझे इस प्रश्न का कि पाप का बाप कौन है उत्तर नहीं मिला। तो उस वेश्या ने पंडित जी से कहा कि आप चिंता मत करिए, प्रसन्न होइए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे घर चल करके कुछ दिन रहना होगा। पंडित जी ने सोचा कि इसका उत्तर तो हमें कहीं मिला नहीं, चलो कोई मिल गई है, बता रही है कि मैं इसका उत्तर दूंगी, तो मैं इनके साथ चलता हूं। पंडित जी आकर के वेश्या के घर पर रहने लगे। पंडित जी का नियम था कि वो कभी किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे, यहाँ तक कि जल भी किसी के हाथ से नहीं लेते थे। कुछ दिन के बाद वेश्या ने कहा, पंडित जी मैं आपको एक सोने की मुद्रा देती हूँ, आज आप मेरे हाथ से एक ग्लास जल ग्रहण करिए। पंडित जी ने सोचा ठीक है, एक सोने की मुद्रा मिल रही है। पंडित जी ने जल ग्रहण किया। दो दिन के बाद वेश्या ने कहा कि पंडित जी अब आप भोजन मत बनाइए, मैं आपको 5 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगी और आप मेरे हाथ से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करिए।
पंडित जी सोच में पड़ गए। दो दो बातें उनके दिमाग में आई कि एक तो मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि पाप का बाप कौन है, और दूसरा मुझे ये स्वर्ण मुद्रा भी दे रही है, तो चलो कोई बात नहीं, इसके हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लेते हैं। पंडित जी ने कहा एव मस्तु, और उन्होंने उसके हाथ का भोजन ग्रहण किया। कुछ दिन तक रहे, फिर पूछे अब तुम मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो वेश्या ने उत्तर दिया कि पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुकी हूं। तो कौतूहल बस पूछते हैं कैसे, तब उसने बताया कि आप इतने बड़े विद्वान, आपका अपना खुद का संयम, न किसी के हाथ से पानी पीना, न किसी के हाथ का बनाया हुआ भोजन करना, यह सब आपने तोड़ दिया, मात्र स्वर्ण मुद्रा की लालच में। तो पंडित जी आपके ऊपर लोभ सवार हो गया, तो जो पाप का बाप है वह और कोई नहीं है, वह लोभ है। पंडित जी को लज्जा आई, अपने ऊपर खींचे, लेकिन जो उत्तर ढूंढ रहे थे वह उत्तर उनको किसी भी प्रकार से मिल गया। इस पौराणिक कथा का आशय यही है कि हम अपना जो संयम है उसको न खोएं, और जो लोभ है उसके चक्कर में न पड़ें। परमात्मा ने, भगवान राम ने जितना भी हमको दिया है, जो भी दिया है, उसमें हम संतोष करें, क्योंकि शास्त्र भी बताते हैं संतोषम परमम सुखम, संतोष के बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूं, हर हर महादेव जय सिया राम, ओम शांति ही शांति ही शांति ही।